Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Chapter number 17. I'm part in biotechnology, 10th class biology. Or federal board or Punjab board ke jitne bhi Punjab board hai unme padhai jati hai ye. To aaj jo hamara topic hai wo scope and importance of biotechnology ka hum discuss karenge. To recent year mein jo biotechnology hai bahut zyada grow ki ja rahi hai, separate ek science taur par bhi li jati hai. Ab jitni bhi universities hai na unke andar biotechnology ke ek alag department bana diye gaye. यानी इसके अंदर बहुत ज्यादा काम हो रहा है. यहाँ पे अगर रावलपिंडी में देखते हैं, ठीक है, एरेड यूनिवर्सिटी में एक बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट बनाया गया. पहले तो इसको बायोलॉजी कहते थे ना लोग, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं जी. आजकल बायोलॉजी के अंदर भी डिफरेंट साइंसेस, कोई अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कोई कहता है मैं बायोटेक्नोलॉजी में जा रहा हूँ. बायोटेक्नोलॉजी की एक ब्रांच आगे जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ठीक है. कुछ बॉटनी पढ़ रहे हैं, कुछ जूलॉजी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बायोटेक्नोलॉजी है उसको एक सेपरेट साइंस भी का दर्जा मिल चुका है. तो इट हैज अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ मेनी इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम द डाइवर्स फील्ड लाइक एग्रीकल्चर, मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो स्कोप ऑफ जो बायोटेक्नोलॉजी है, यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेडिसिन के अंदर जो स्कोप है, बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन. तो इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन जो बायोटेक्नोलॉजी है, सिंथेसाइज इंसुलिन. देखिए बच्चे, पिछले लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ और इससे आने वाले नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं इसी चैप्टर के अंदर, हम इंसुलिन की जो सिंथेसिस है, इंसुलिन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है थ्रू बैक्टीरिया, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे. बहरहाल यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि जो इंसुलिन है वो बायोटेक्नोलॉजी का ही कमाल है, बैक्टीरिया के थ्रू इंसुलिन. बैक्टीरिया इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और जो इंसुलिन है एक बेनिफिशियल प्रोडक्ट है. सो द एक्सट्रैक्शन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम बैक्टीरिया इज आल्सो नोन एज बायोटेक्नोलॉजी. जिस तरह हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो एक ऐसी फील्ड है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हुए हम ऐसी प्रोडक्ट हासिल करते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो. तो इंसुलिन क्या है, हमारे लिए एक बेनिफिशियल प्रोडक्ट है जो बैक्टीरिया के थ्रू हासिल की जाती है, इसलिए इसको बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में रखा जाता है. और क्या चीज है, ये एज ए मेडिसिन के तौर पर यूज की जाती है, क्योंकि ऐसे लोग जिनके अंदर शुगर पेशेंट है उनके अंदर इंसुलिन जब नहीं बनती तो उनको एक्सटर्नली इंसुलिन लगाई जाती है. तो वो किस तरह हासिल की जाती है, बायोटेक्नोलॉजी से. इंटरफेरॉन बचे एंटीवायरल ड्रग है, ये भी बैक्टीरिया के थ्रू हासिल की जाती है और आगे सेल के लिए तो लाजमी सी बात है, सेल ही करेंगे. अच्छा, लार्ज नंबर ऑफ जो वैक्सीन हैं, एंटीबॉडीज हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स हैं एंड अदर जो मेडिसिन हैं, आल्सो यू हैव आल्सो बीन प्रोड्यूस थ्रू बायोटेक्नोलॉजी थ्रू बैक्टीरिया. बैक्टीरिया को यूज करते हुए, डिफरेंट किस्म के वायरसेस को यूज करते हुए, ठीक है, जो वैक्सीन हैं, एंटीबॉडीज वगैरह बनाई जाती हैं, वो भी क्या चीज़ें. यानी देखें, बायोटेक्नोलॉजी हमेशा, अगर एक केमिकली मॉडिफाइड कोई वैक्सीन बनाई जाती है या केमिकली कोई एंटीबायोटिक बनाई जाती है, वो बायोटेक्नोलॉजी नहीं है. लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू हासिल की जाएगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट की जाए या वायरसेस से एक्सट्रैक्ट की जाए या फिर किसी एनिमल से हासिल की जाए, वो भी बायोटेक्नोलॉजी में आ जाती है, ठीक है, जो किसी हम कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से यूज करते हुए हासिल की जाए. अच्छा, सम एंजाइम्स आर बीइंग सिंथेसाइज्ड फॉर मेडिकली एज वेल एज इंडस्ट्रियल यूज, ये बायोटेक्नोलॉजी से हासिल किए जाते हैं. जीन थेरेपी, अब देखें जीन के अंदर कोई चेंजिंग की जाए, जीन के अंदर कोई चेंज लिया जाए, तो पहले हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ी थी. जीन क्या है, एक लिविंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई चेंज किया जाए और वो बेनिफिशियल चेंज हो, ठीक है. बाज दफा अगर बुरा चेंज भी हो जाता है, कोई एडवर्स इफेक्ट होता है, वो भी बायोटेक्नोलॉजी है. यानी जीन के अंदर कोई चेंजिंग की जाएगी तो जीन के अंदर हम कोई बुरा चीज तो नहीं लाएंगे, हम कोशिश करेंगे उसके अंदर मजीद बेहतरी आए. यानी किसी के अंदर कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, उस जेनेटिक डिफेक्ट को दूर करने के लिए जीन थेरेपी की जाती है, जीन के अंदर चेंजिंग की जाती है. ट्रीटमेंट थ्रू जीन हैज बिकम इंपॉर्टेंट इन रिसेंट ईयर. अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी हैज आल्सो प्रूव्ड मच बेनिफिशियल इन फोरेंसिक मेडिसिन. देखिए, फोरेंसिक मेडिसिन क्या है, किसी मुजरम की शिनाख्त करने के लिए. अब जो डीएनए है, देखें बेसिकली अगर कोई मुजरिम है, ठीक है, कहीं पे कोई वो इस तरह का केस होता है, ठीक है, तो उस जगह से जो है ना बेसिकली क्या चीज है कि वो उसका अगर कोई फिंगरप्रिंटिंग आ जाए, फिंगरप्रिंट्स ले जाए, या उसका वो कोई सलाइवा गिरा हुआ है, या फिर अगर फॉर एग्जांपल कोई इस तरह का केस है जिसमें अगर किसी पर्सन के साथ उसने कोई गलती करने की कोशिश की है, तो अगर उस पर्सन ने उसको नाखून मार दिया तो उसके नाखून के अंदर उसका कोई ना कोई जो है जर्रात रह जाते हैं, वो बेसिकली उसका डीएनए टेस्ट किया जाता है. अब जो डीएनए है वो एक जेनेटिक मटीरियल है और जेनेटिक मटीरियल के अंदर जो भी काम किया जाएगा लिविंग मटेरियल है, तो वो बेसिकली क्या चीज होता है, बायोटेक्नोलॉजी में आता है. तो फोरेंसिक मेडिसिन किसी मुजरम के तक पहुंचने के लिए वो बायोटेक्नोलॉजी यूज की जाती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, या फिर द स्टडी द डीएनए हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स. क्रिमिनल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी डीएनए टेस्टिंग की जाती है. हर एक का डीएनए का जो सिक्वेंसिंग होती है वो क्या होती है, अगर फॉर एग्जाम्पल चार मुलजिम है, ठीक है, चार मुलजिम, अगर एक बंदा कहता है कि यार इन चार मुलजिमों पर मुझे शक है, ठीक है, और आपके पास क्या सबूत है कि उनके वो आए मुख्तलिफ जगहों पे, उन्हें जो अगर सर्फेसिस के वो सैंपल लिए गए,
ठीक है, लेकिन ये किसी अच्छी लेबोरेटरी से काम होता है, या कोई सलाइवा गिरा गया, या फिर आपने कोई आया तो आपने उसने अगर मुंह के ऊपर जो है ना वो कवर किया हुआ है तो आपने उसको नाखून मारे भगाने के लिए, जो भाग गया तो उसके बाद आपको अगर शक है तो उन 4-5 बंदों को अगर चेकिंग की जाए तो वो जब सैंपल जिसके साथ मैच करेगा तो इसका मतलब क्या है, वो क्रिमिनल है। ठीक है, बाकी जो है ना अल्लाह ही रहम करे, अल्लाह पाक हर एक को बुरी आफत से बचा के रखे। तो ये बच्चों हमारा जो है ना छोटा सा टॉपिक था, बाकी इंशाल्लाह इससे अगले लेक्चर के अंदर हम एग्रीकल्चर के अंदर क्या रोल है और एनवायरनमेंट के अंदर क्या रोल है, ये दो जो लेक्चर्स हैं ये इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।